हेलो स्टूडेंट्स, मैं केपी सर, मैथ्स वाई केपी सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, साथ में आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या M1, M2, M3 पढ़ रहे हैं, आप BSc में हैं, तो आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू कैसे याद रखें। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू याद रखना बहुत आसान होता है। मैं इसका टेबल कैसे बनाते हैं ये आपको आसान तरीके से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के लिए सारे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस बात का आप ध्यान रखें, 0, 30, 45, 60 और 90। इसके बाद आपके जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनको आप जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल फॉर्म लाइन में लिख लेंगे। एक बॉक्स मैंने बीच में खाली छोड़ा हुआ है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम गिनती लिख लेंगे। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा, 1 से नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर 2, फिर क्या लिखा हमने, 3, और फिर कितना लिखा, 4। देखिए आसान है ना, 0, 1, 2, 3, 4, इससे आसान क्या होगा। अब हम सबके नीचे क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। ये सभी के नीचे क्या किया, 4 लिख लिया। इससे क्या मिला, ये 4 लिखा, ये 4 लिखा और ये 4 लिखा, तो हमें क्या मिला, 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 और 4 अपॉन 4। इसके बाद क्या करेंगे, हम सभी में रूट लगा देंगे। तो जब हम सभी में रूट ले लेंगे, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी में रूट ले लिया, ये आपने रूट लगा दिया, बहुत आसान तरीके से हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले 0 से लेके आपको 4 तक नंबर लिखना है, उसके बाद आपको सबके नीचे 4 लिख देना है, फिर आपको रूट लगा देना है। अब आगे हम इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो 0/4 कितना होगा, देखिए 0/4। तो आप हमेशा याद रखिए, 0 को अगर आप किसी भी संख्या से, संख्या कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 1000 हो, 10000 हो, 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हुआ, 0। और 0 चूंकि रूट के अंदर है, तो रूट 0 भी हमेशा 0 ही होता है। रूट 0 का मान क्या कितना होगा, 0 होगा। तो ये आपकी साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी, और साइन 0 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 0 मिल गई। कितनी मिल गई, 0, साइन 0 की वैल्यू हो गई आपकी 0। इसी तरीके से जब हम आगे जाएंगे, तो आगे क्या देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 1/4 रूट में। तो 1/4 को हम रूट में, 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो ये रूट 1/4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, अर्थात साइन 30 की जो वैल्यू हुई वो कितनी मिल गई हमें, 1/2। अब आगे लिखा हुआ है √2/4, 2 को हम 2 बन जा 2, 2 टू जा 4, तो हमें क्या मिल गया, रूट में 1/2। तो 1 का रूट तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का रूट कितना होगा, √2 होगा। तो ये कितना आ गया, 1/√2, अर्थात साइन 45 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1/√2। हम आगे देखेंगे √3/4, चूंकि √3 कैंसिल नहीं हो सकता, तो √3 को क्या होगा, √3 लिखेंगे, और 4 का जो √4 है, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, चूंकि 2 जो कितना होता है, 4 होता है। यहां पर क्या होगा, 4/4 रूट में, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में बचेगा 1, और 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यू पता चल, कितना आसान था, 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1 मिल गई। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, कॉस की वैल्यू निकालना है। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन को उल्टा लिख देंगे, साइन को उल्टा चल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात जो कोसाइन की 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की होगी। यहाँ तो सीधा याद रखिए, उल्टा चलना है, यहाँ 1 लिखा है तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे, तो पता चल गया कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से ये जल्दी जल्दी लिख देते हैं, √3/2, 1/√2,
वन बाय टू और फिर क्या मिल गया आपको जीरो। देखो कितनी तेजी से हमारा काम हो गया, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाय टू, कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाय रूट टू, कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाय टू और कॉस नाइनटी की वैल्यू जीरो होती है, आसानी से पता। अब हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अगर हम साइन को कॉस में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन मिल जाएगा। तो यहां पर ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की, तो सबसे पहली वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो अपॉन वन। तो हमने अब भी बताया था अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये कितना मिल गया आपको, जीरो मिल गया। इसी तरीके से हम वन बाय टू को रूट थ्री बाय टू में डिवाइड करेंगे, वन बाय टू रूट थ्री बाय टू, टू से टू कैंसिल हो गया तो कितना बचा आपके पास, वन बाय रूट थ्री। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास, वन अपॉन रूट थ्री आ गया। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे तो वन बाय रूट टू अपॉन वन बाय रूट टू, ये तो वैसे भी आपको देख के पता चल रहा है कि पूरा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, वन बचेगा। तो वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू कितना हो गया, वन। यहाँ पर रूट थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू, टू से टू कैंसिल तो कितना बचा आपका, रूट थ्री। तो ये कितना आ गया आपका, रूट थ्री। यहाँ ध्यान रखेंगे वन को जीरो से डिवाइड, अगर हम किसी भी नंबर को वन को या किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वहां पे या तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड या फिर लिखेंगे इन्फिनिटी। तो हम इसको लिख देते हैं इन्फिनिटी, या बुक में कई लोग क्या लिखते हैं इसको, नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। तो ये इन्फिनिटी आ गया। देखिए साइन और कॉस को, साइन में कॉस का डिवाइड करके हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें पता चल गया टेन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, टेन थर्टी की वैल्यू वन बाय रूट थ्री, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन, टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री और टेन नाइनटी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, इन्फिनिटी। अब हम कॉट के लिए क्या करेंगे, टेन को रिवर्स कर देंगे, टेन को अगर हम उल्टा लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, नॉट डिफाइंड, ये कितना हो गया आपका, रूट थ्री, यहाँ पे कितना आया आपका, वन, ये वन बाय रूट थ्री और ये हो गया जीरो। टेन का रिवर्स करके लिख दो तो आपको कॉट मिल जाता है। तो कॉट जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, कॉट थर्टी की वैल्यू रूट थ्री, कॉट फोर्टी फाइव वन, कॉट सिक्सटी वन बाय रूट थ्री और कॉट नाइनटी कितना हो गया आपका, जीरो। अगर हमें सेक लिखना है तो हम जानते हैं सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस। तो हम कॉस को अगर उल्टा कर दें तो सेक मिलेगा, वन को वन के नीचे वन अपॉन वन कितना होगा, वन होगा। तो सेक जीरो की वैल्यू वन, अगर रूट थ्री बाय टू लेना है तो इसको पलटेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, टू अपॉन रूट थ्री। इसी तरीके से रूट टू अपॉन वन अर्थात रूट टू और यहाँ पे वन अपॉन टू अर्थात टू और वन अपॉन जीरो अर्थात कितना होगा, नॉट डिफाइंड। तो अगर हम कॉस को यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसको उल्टा करेंगे, कॉस को अर्थात वन अपॉन कॉस थीटा लेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, सेक की वैल्यू निकल जाएगी। टेन के लिए हमने क्या किया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू में डिवाइड किया था। तो ये आसानी से मिल गया, मतलब ये है सेक जीरो कितना हो गया, वन, सेक थर्टी टू अपॉन रूट थ्री, सेक फोर्टी फाइव रूट टू, सेक सिक्सटी टू और सेक 90 हमें क्या मिला, नॉट डिफाइंड। अब हम सेक को रिवर्स करके लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉसेक। तो ये कितना मिल गया आपको, इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या मिला आपको, टू, ये कितना हो गया, टू अपॉन रूट थ्री और यहाँ पे क्या मिला आपको, सॉरी यहाँ पे आएगा रूट टू, देन टू अपॉन रूट थ्री और वापिस आपको कितना मिल गया, वन। अर्थात सेक जीरो की, कॉसेक जीरो की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। कॉसेक थर्टी होगा टू, कॉसेक फोर्टी फाइव कितना होगा आपका, रूट टू, कॉसेक 62 अपॉन रूट थ्री और कॉसेक 90 कितना मिल गया, वन। कितना आसान था, सिंपल तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल की टेबल को बना सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।